कि आप लोगों को बताएं, रात को हमने जुगाड़ किया था सोने के लिए, तो वो जुगाड़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप तो हम तुम्हारी राह देखेंगे सन। फाइनली रात के मेरे ख्याल में 9 के 10 बज गए, हमें कोई जगह नहीं मिली, ना पानी वाली जगह, ना मैं कोई रहने वाली जगह, ना कोई लकड़ लुकड़ मिल रही है हमें। क्या आगू बाले उधर बैठ जाए, कसम से ऐसे अंधेरे में बैठे हुए हैं, अब सुनसान सारी जगह सुनसान ही है, बस देखो ये नजर भी नहीं आ रहे। बाकी नीचे वाला जगह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिधर से हम आए बस लाइटें आप लोगों को नजर आएगी और कुछ नहीं, वो छोटे छोटे नजर आ रहे वो हमारी आबादी है, काफी पहाड़ के ऊपर चढ़ी है। देखते हैं कहाँ में स्टे मिलते हैं, स्टे वाली जगह मिलते हैं, उधर स्टे करें हम। चलो अब देखते हैं, हमें कोई जगह तो नहीं मिली, पर हम ज्यादा थक गए थे और भूख भी ज्यादा लगी थी, तो हमने इधर थोड़ा बहुत कुछ खाने का प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि पका पुका तो नहीं, बस केचप वगैरह है और नान नून खाएंगे हम, ताकि हम जिधर तक जा रहे हैं उधर तक हमारा गुजारा हो जाए, उधर जाके बाकी जो करना हो तो कर लेंगे। पानी वाली जगह पे पहुंच गया और इधर हमें इधर के रिहायशी लोग भी मिले, कहते हैं वो सामने जाके आप लोगों की जगह मिल जाएगी रहने के लिए, कुछ इनकी जो छोटा सा कमरा सा बना होता है तो कहते हैं वो मिल जाएगी आप लोगों को। तो इधर हमें पानी मिल गया, हम इधर से पानी पूनी भरेंगे और उधर जाएंगे, उधर जाके फिर अपने खाने पीने के लिए कुछ इंतजाम करेंगे और सोने के लिए भी उधर ही करेंगे। आगू आगू का काफ़ी मसला मसाइल है, क्योंकि इधर कोई लकड़ लुकड़ का इंतजाम नहीं है, पर देखते हैं उधर जाके, देखते हैं कुछ करना तो पड़ेगा। वैसे जंगल नहीं है, जंगल नीचे रह गए, हम ऊपर आ गए, कोई जंगल जंगल नहीं है। हम बिल्कुल जिधर हमने स्टॉप करना है उधर हम रुके हैं, और इधर हम बना रहे हैं अपने टेंट उंट का सिस्टम, क्योंकि हमारे पास फुल कवर टेंट नहीं है, हमने शॉपर वगैरह लिया हुआ है, उससे अपने लिए बनाएंगे टेंट और उसके अंदर सोएंगे, और इधर खाना खुना भी इधर पकाएंगे और उसको खाएंगे फिर। तो फाइनली हमने टेंट उंट बना दिया अपना, वो पीछे टेंट है, और हमने चाय चूय बना के और चाय पीने की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद हम खाना खाएंगे, क्योंकि पहाड़ पे जब बैठते हैं ना सर में दर्द वगैरह होता है, और उसकी वजह से हम चाय पियेंगे सर के दर्द खत्म हो जाएगी। इसके ये हमने टेंट बनाया, आप लोगों से शेयर करते हैं, ये वो जाकर अंदर बिजली वगैरह भी लगाई हुई हमने, तो अब खाना खुना तैयार करेंगे, अब बाकी वीडियो आप लोगों से शेयर करता हूँ मैं उसकी। तो अब तब तक मैं चाय पीता हूँ, क्योंकि सर में बड़ी दर्द हो रही है। तो अब हम अपने खाना खुना पका रहे हैं, ये चिकन बना रहे हैं हम, अभी स्टार्ट हुआ चिकन, बाकी हमारे टेंट नजर नहीं आ रहे, सुबह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कितनी मेहनत की हमने उस पर, कल सुबह शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, फिलहाल ये देख अत्य बार डंग कटो मोहना बाहर के ना हो। हमने अपना सेटअप सुटअप कर लिया, ये देखो टेंट उंट लगाया हुआ है, और इधर हमने खाना खुना भी तैयार कर लिया, चाय तो पहले पी ली थी क्योंकि सर में दर्द हो रही थी हमारी, तो हमारा खाना तैयार होगा, अभी ये खाएंगे इंशाल्लाह, इसके बाद हम सोने लगेंगे इंशाल्लाह, सोएंगे और सुबह आप लोगों से टेंट का पूरा विजिट करवाएंगे आप लोगों के साथ, टेंट हमने कैसे लगाया और क्या किया है वो सब कुछ आप लोगों से शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जैसे कि आप लोगों को बताएं रात को हमने जुगाड़ किया था सोने के लिए, तो वो जुगाड़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप तो 6 बजे सुबह के जो नींद नहीं आ रही थी, मैं जाग गया और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो जुगाड़ जो हमने किया था। ये हमने जुगाड़ किया था, एक टेंट बनाया था अपने लिए, अंदर भी दिखाता हूँ आप लोगों को, याहू अंदर ये देखिए, 4 जने हम सोए थे इसमें, 4 जने। तो ठंड भी बहुत लग रही है और हम पानी लेने जाएंगे, क्योंकि हमने अब चाय चूय बनानी है और बाकी जो बनाना है वो भी बना लेंगे, पहले पानी जाके लेकर आते, क्यों हमारे पास पानी जो स्टॉक था वो ख़त्म हो गया, और अभी तो सुबह होगी, क्योंकि हमें पता चल जाना है पानी कहाँ पे है, किधर है, हम मिल जाएगा, बताया था उन्होंने, इधर कुछ बंदे थे, उन्होंने कहा नीचे पानी, हम नीचे जाएंगे पानी देखेंगे और पानी लेकर आएंगे। ठंड बड़ी लग रही है हमें, तो इधर नीचे में पानी मिले हैं तो हम पानी भर रहे हैं इधर से, तो इधर से हम पानी लेके जाएंगे, बाकी जो कुछ करना हो तो कर लेंगे। बड़ी ठंड लग रही है यार, मौसम ही बड़ा ख़राब है, देखो पूरी धुंध धुंध है, माशाल्लाह पहाड़ के ऊपर इतना बड़ा मैदान है कि अब तो नहीं, बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि बाद में नीचे उतरने हैं, अभी तो फिलहाल ऊपर हैं हम, बाद में नीचे उतरेंगे आप लोगों को दिखाएंगे। हम तो पहले रात को ऊपर से आए थे, ऊपर ही रह गए थे, हमने आना तो यहाँ पर ही था इस मैदान में, पर हमें रात को पता नहीं चला, हम ऊपर ही रह गए, तो बाद में आ जाएंगे नीचे नाश्ता नुश्ता करके, फिर नीचे आएंगे आप लोग साथ शेयर करेंगे कितना बड़ा मैदान है। हमने नाश्ता नुश्ता तैयार किया और अब नाश्ता कर रहे हैं, और हमारा नाश्ता है माशाल्लाह देसी घी है, जो ताज़ा घी होते हैं देसी घी, और फिर ब्रेड वगैरह है उसके साथ करना है, क्योंकि हमने हल्का फुल्का नाश्ता करना है बाकी, क्योंकि तैयारी करने में काफ़ी टाइम लगता है, हमने अब आगे भी जाना है, आगे और सफ़र करना है, तो इसलिए हमने हल्का फुल्का अपना नाश्ता जो तैयार किया था, और बाकी जो
देसी घी वगैरह है, इधर सात ही लोग रहते हैं, उन्होंने हमें दिए हैं, और सात मक्खन भी, सॉरी देसी घी नहीं सॉरी मक्खन दिया है, मक्खन खा रहे हैं हम, और उसके साथ कुछ और भी है इधर के लोगों का, पता नहीं उसका नाम मुझे भी नहीं आता, केरमान तो, बोलते हैं उसे, हमारी जुबान में केरमान बोलते हैं, पर पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं ये मुझे भी नहीं पता। तो हम नाश्ता करेंगे और नाश्ता करके फिर आगे की तैयारियां करेंगे इंशाल्लाह। फाइनली इधर से हमारा स्टे खत्म हो गया और इधर से हम आगे निकलेंगे और वो पीछे वाले पहाड़ है उधर जाएंगे इंशाल्लाह। हमने सफर करते ही रहना, जिधर हमें रात हुई उधर हमने स्टे करनी है, और अब इधर से हम निकले, मेरे ख्याल में कोई 8 को बजे हैं, और इधर से हम निकलेंगे, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं शाम तक। तो हमने उम्मीद है कि उस पहाड़ के उस नुक्कड़ तक पहुंच जाएं, और अब देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। अब चलो निकलते हैं। इत्या इत्या हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तो